हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने किंग्स गैम्बिट के बारे में वीडियो बनाया था। किंग्स गैम्बिट में और भी बहुत तरह तरह के वेरिएशन होते हैं। आज हम दूसरा वेरिएशन देखेंगे किंग्स गैम्बिट के बारे में। किंग्स गैम्बिट दोस्तों खेलने में बहुत मजा आता है। वाइट से बहुत ही अग्रेसिव अटैकिंग लाइन है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं e4 e5 देन f4। तो ये मूव होती है किंग्स गैम्बिट की, ई टेक्स f4 और Nf3। ब्लैक यहाँ पे g5 करता है अर्ली अटैक करने के लिए, और ज्यादातर गेम में g5 मूव हो गई है। यहाँ पे आपको h4, ये एक सरप्राइज है। यहाँ पे ब्लैक का बेस्ट रिप्लाई होगा g4, और लास्ट वीडियो में हमने देखा था Ng1 वाला वेरिएशन। यहाँ पे मैं आपको अलग ही अग्रेसिव वाइट के लिए बेस्ट ऑप्शन दिखाऊंगा, Ne5। अब ब्लैक यहाँ पे ब्लैक की ओर से बेस्ट मूव है d6। हालांकि वो अपना पॉन सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन बिशप और अपने पीसेस एक्टिव करेगा। तो Nxg5 और Nf6, यहाँ पे आप दो तरह से खेल सकते हो। Nf6 करके सिंप्लीफाई करके गेम खेल सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन है Nf2 और अपने e4 पॉन को डिफेंस करना। यहाँ पे Nc6 बेस्ट ऑप्शन है और d4 सेंटर कंट्रोल। उसके बाद बिशप h6, वो अपना ये जो f4 वाला पॉन है उससे करेगा सपोर्ट। तो यहाँ पे आपको रिप्लाई देना है बिशप e2, क्वीन e7 सेंटर पे अटैक, और यहाँ आपका सिंपल रिप्लाई होगा सपोर्ट। तो दो नाइट का सपोर्ट e4 पॉन के ऊपर है और दो अटैक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिशप d7 ओनली बेस्ट ऑप्शन है बिशप को डेवलप करने का, क्योंकि बिशप e6 पॉसिबल नहीं है। विथ डबल अटैक ब्लैक विल लॉस हिज पीस। तो बिशप d7 यहाँ पे आपको खेलना है बिशप f3 आफ्टर, सॉरी यहाँ पे लॉन्ग कैसल के बाद a3 और Nxe4, और यहाँ पे काउंटर अटैक Nd5। अब दोस्तों यहाँ पे हम Nxe4 नहीं कर सकते, क्योंकि f5 बहुत ही हमारे लिए व्हाइट के लिए बैड मूव आएगी। इसलिए Nd5 आफ्टर Qe8 सिंपल शॉर्ट कैसल। और यहाँ पे ये पोजीशन से आप ब्लैक की साइड, जो क्वीन साइड ब्लैक ने कैसल किया है, आसानी से अटैक कर सकते हो और आपका किंग बिल्कुल सेफ जगह पे है। आपकी नेक्स्ट थ्रेट है नाइट टेक्स f4 भी कर सकते हो। नाइट टेक्स नाइट की भी थ्रेट है, बहुत सारे मूव्स अच्छे अच्छे यहाँ से व्हाइट को मिलेंगे खेलने के लिए। तो दोस्तों ये थी। हाँ, हालांकि अगर शॉर्ट कैसल की बजाय ब्लैक इस पोजिशन में लॉन्ग कैसल के बजाय शॉर्ट कैसल करता है, तो तुरंत आपको रुक g1 से अटैक जल्दी मिल जाएगा। तो शॉर्ट कैसल पॉसिबल नहीं है ब्लैक के लिए। दोस्तों देखते हैं, एक दूसरा वेरिएशन भी है दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि e4 e5 f4 Nf3 h4 g5। g4 के बाद Ng5 वाला भी एक वेरिएशन यहाँ पे आप खेल सकते हो। थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन व्हाइट के लिए अटैकिंग बहुत ही है। एंड गेम में इसमें ज्यादा दबाव डालना है। d5 ब्लैक खेलेगा यहाँ पे, सिंपल पॉन टेक्स पॉन देन h6, और यहाँ आपको Qe2 चेक पहले देना है आफ्टर बिशप e7 देन Nd4। Nd4 के बाद ब्लैक f5 करेगा। यहाँ पे एक सरप्राइज मूव है दोस्तों, Nb c3। ये एक डबल एक्सक्लेमेशन मार्क वाला मूव है। पॉन टेक्स नाइट देन क्वीन टेक्स e4, एक पीस डाउन होके अटैक लेने का इसमें कंपेंसेशन है। Nf6 के बाद Qg6 और यहाँ पे King f8, और उसके बाद d4। अब आपका जो बिशप f5 पे प्रेशर डाल रहा है, क्वीन एक्सचेंज के लिए आता है। तो सिंपल क्वीन टेक्स क्वीन, नाइट टेक्स क्वीन देन बिशप टेक्स, और c7 पे आपको प्रेशर देना है। बिशप d6 के बाद यहाँ पे एक सरप्राइज मूव है, नॉट बिशप टेक्स d6, आपको बिशप d3 खेलना है। आफ्टर बिशप टेक्स देन शॉर्ट कैसल, और आपको अपना पीस तुरंत ही वापस मिल जाता है। King g7 के बाद रुक टेक्स f4, रुक f8 में एक और बढ़िया मूव है Ne2।
और ये लाइन से आप काफी अच्छी तरह से खेल सकते हो। हालांकि आप माइनर पीस डाउन है, लेकिन उसके कंपेंसेशन में आपके पास दो पॉन एक्स्ट्रा है और आपके सारे पीसेस एक्टिव है, ब्लैक के सारे पीसेस लास्ट रैंक पे हैं, तो ये भी आपको एक बेनिफिट रहेगा। खेल के देखिए दोस्तों, ट्राई कीजिए, पीस डाउन में हमेशा आप लॉस नहीं होते। ज्यादातर देखिए कि ऐसी गेम ड्रॉ या व्हाइट विंस ही होती है, क्योंकि व्हाइट का डेवलपमेंट जबरदस्त है। तो दोस्तों, नए वीडियो में हम और भी वेरिएशन देखेंगे। दोस्तों, आपने मेरे स्कैंडिनेवियन के वीडियोस तो बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे वेरिएशन मैंने आपको बताया है, बहुत ही अटैकिंग लाइन है, बहुत ही मजा आता है खेलने में। उसके बारे में मैं आपको एक मेरा पोर्टुगीज गेमबिट वाला गेम जो है लीचेस में रिसेंटली मैंने खेला था, जिसमें मेरा रेटिंग था समझो 2-1 के करीब और अपोनेंट का रेटिंग 2146। आप देख सकते हो इस गेम में कैसे ब्रिलियंट आइडियाज और कैसे सेक्रीफाइसेस मूव्स आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान से देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरी गेम देखिए, बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। व्हाइट प्लेड हियर e4 और मैंने यहाँ पे d5 किया है, e takes d5, Nf6 आफ्टर d4, यहाँ पे पोर्टुगीज गैम्बिट Bg4, ये मेरी बहुत ही फेवरेट लाइन है, मैं बहुत बार यही गेम खेलता हूँ। f3 Bf5 देन Bb5 चेक, ये चेक के बारे में मैंने आपको बताया था, Nb d7 करना है। यहाँ पे c4 e6, हालांकि यहाँ पे इस लाइन में ब्लैक के बिशप जो लाइट स्क्वायर बिशप है उसे 4 बार ओपनिंग में खेलना पड़ता है, ये थोड़ी बुरी बात है, लेकिन पोजीशन ब्लैक के फेवर में रहती है। पॉन टेक्स देन बिशप टेक्स देन d5, d5 फोर्स मूव है, अदरवाइज c6 थ्रेट है और उसके बाद c4 वाला पॉन हमें मिल जाता है और व्हाइट का जो आइसोलेटेड पॉन है उसके ऊपर पूरी गेम हम प्लस हो जाते हैं। तो d5 बिशप f5 उसके बाद Nc3 और ये पूरी की पूरी लाइन मैंने आपको बताई है। यहाँ पर बिशप c5, क्वीन e2 और किंग f8, ये मेरी सरप्राइज मूव है। ज्यादातर मैं किंग f8 करके बहुत सारे गेम्स जीता हूँ, कैसलिंग खुद ही ब्रेक करता हूँ, क्योंकि डेवलप हमारे देखिए यहाँ पे दो बिशप दो नाइट सभी पीसेस डेवलप है। व्हाइट के जो पीसेस है जहाँ पे f3 पे नाइट होना चाहिए उसकी जगह पे व्हाइट का पॉन रहता है, यही हमें बेनिफिट है। बिशप g5 f3 देन बिशप h4 और g5 बिशप, उसने काउंटर अटैक किया अपोनेंट ने, बिशप g6 सिंपल, बिशप g3 और किंग g7, यहाँ पे नेक्स्ट थ्रेट है रुक e8, ब्लैक ने लॉन्ग कैसल किया है, a6 देन बिशप टेक्स नाइट, नाइट टेक्स बिशप, बिशप चेक देन f6, बिशप इंटरपोज मतलब एक्सचेंज करने आ रहा है क्योंकि व्हाइट ऑलरेडी पॉन अप है, तो रुक e8 क्वीन के पर अटैक, क्वीन के लिए एक ही बेस्ट ऑप्शन है क्वीन f2, यहाँ पे बिशप टेक्स बिशप, क्वीन टेक्स और उसके बाद नाइट e5, मजा लास्ट में आता है दोस्तों। यहाँ पे b5 पॉन टेक्स पॉन, पॉन टेक्स पॉन, और हालांकि ये पॉन सेक्रीफाइस नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर व्हाइट ये पॉन टेक्स लेता है, हम लेते हैं नाइट टेक्स पॉन, उसके लिए बैड मूव होगी क्योंकि रूक टेक्स a2 और ब्लैक को 7th रैंक मिलती है, इसीलिए व्हाइट ने यहाँ पे c4 और काउंटर अटैक b4 ब्रिलियंट मूव। यहाँ पे अगर क्वीन टेक्स b4 करता है तो नेक्स्ट मूव में एक्सचेंज अप हो जाता है नाइट d3 से, तो यहाँ पे व्हाइट ने खेला था नाइट e4 और ये यहाँ पे इसका फायदा लेना चाहिए, नाइट टेक्स f3 से, नाइट टेक्स f3 देन रूक टेक्स e4, क्वीन फोर्स मूव है, अदरवाइज यहाँ पे रुक चेक, रुक c4 चेक बहुत ही डेंजर आ रहा है, इसलिए क्वीन d3 फोर्स मूव है। यहाँ पे मैंने खेला था रुक टेक्स g5 डिस्कवर्ड अटैक आफ्टर क्वीन f1, अभी भी उसे ये प्रेशर कंटिन्यूस रखना है। यहाँ पे क्वीन e7 विथ थ्रेट ऑफ क्वीन टेक्स पॉन और क्वीन e3 चेक, यहाँ पे व्हाइट ने रिप्लाई दिया d3 d6 के बाद पॉन टेक्स रूक टेक्स और यहाँ पे rc8, वन मोर पीस एक्टिव हो रहा है, क्वीन टेक्स रूक की थ्रेट है और रूक टेक्स पॉन की भी थ्रेट है, रूक f2 रूक d2 देन रूक टेक्स पॉन चेक और यहाँ पे
किंग D1 फाइनल मूव के बाद, रुक C4 के बाद व्हाइट ने यहाँ पर रिजाइन कर दिया था, और रिजाइन वाले ही गेम है क्योंकि नेक्स्ट मूव में स्क्यूअर से क्वीन मिलती है और या तो फिर मेट होती है। ये गेम कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, और भी ऐसे बहुत सारे लाइंस आपको सीखने को मिलेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हालांकि मेरी चैनल में मैं कुछ एडिटिंग नहीं करता हूँ, आपको देखने में इतना मजा नहीं आएगा जैसे दूसरों लोगों की चैनल आप देखते हो तो एडिटिंग वाली होती है, म्यूजिक वाली होती है, अच्छे अच्छे जो थीम्स लगाते हैं, थंबनेल अच्छे होते हैं। मेरी चैनल एकदम सिंपल होती है क्योंकि मैं सिर्फ गेम सिखाने के लिए ही ये चैनल मैंने बनाई है। तो जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद, जय गुजरात।